बाय। वैसे तो मेरे को अभी जिम निकलने का था, बट देन अंकल कुछ काम से बाहर गए हुए थे, अभी वो वापस आया और ऊपर से अंकल का तबीयत थोड़ा सा खराब भी है, मतलब वॉमिटिंग हो रहा है। मैं पहले अंकल को पिक करूंगा, घर पे छोड़ूंगा, उसके बाद जिम जाके फिर घर पे आऊंगा। और रिया भी अभी उसके घर पे ही है, मतलब पिछले दो तीन दिन से अंकल बाहर गए हुए, तो रिया उसके मॉम के साथ ही सो रही है, क्योंकि मॉम अकेली हो जाएंगी मेरी मम्मी इसके लिए। अब मैं फट से निकल तो पहले रिया को बोल देता हूँ, बट रिया को भी बोलने से पहले ये सारा सब कुछ छोड़ दे। वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ इसलिए ऑन YouTube। और मेरे को बता दो सारे कैसे हो? बढ़िया, बहुत सही, मजे में। मेरे को पता तुम लोग सारे बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। रिया को मैसेज कर रहा हूँ, सॉरी अभी मैंने एक घंटे पहले खाना खाया था, 4 अंडे 2 ब्रेड पीनट बटर के साथ। मैं सोचा मैं 1 घंटे में डाइजेस्ट हो जाएगा तो जिम चला जाऊंगा, बट अभी मेरे को पता नहीं वापस कितना टाइम लगेगा, इसलिए मैंने अपना SBN का प्रोटीन भी ले लिया। और तुम लोगों को भी अगर वो प्रोटीन चाहिए, जो कि मेरे को ऐसा लगता है कि तुम लोगों को बहुत ज्यादा जरूरत है वो प्रोटीन का, तो तुम लोग जाके है ना जाके वो ऑर्डर करो, फर्स्ट लिंक है डिस्क्रिप्शन में। हेलो, जब तक रिया आ रही है तब तक मैं चाहता हूँ कि तुम लोग SBN की तरफ से एकदम इम्पोर्टेंट मैसेज है, जिसकी वजह से तुमको बहुत सारा क्लैरिटी मिलेगा, 30 सेकेंड्स का, वो देख लो, तब तक रिया भी आ जाएगी। आ गया तू। भाई आज का दिन सुबह से बड़ा स्केरी चालू है, तो अंकल को अभी एडमिट करना पड़ा है हम लोग को, और फिर एडमिट करते ही पता चला कि कानी की कोई तो भी दूसरे विंडो से नीचे उतर गया हमारे घर के। मैं तुम लोगों को बताता हूँ कहाँ पर। कानी की को आदत है यहाँ पर बैठने का, एक बार वो यहाँ पर जा चुका है, बट अभी हम लोग ये बंद करके रखते हैं, पूरा घर तबाह करके देखता है इधर उधर। तो अभी हम लोग सिंस ये ऐसा रखते हैं, तो इधर से चढ़ के वो ये खोल के ये ग्रिल से नीचे उतर गया था। अब मैं हूँ हॉस्पिटल में, मेरी मम्मी फोन करती है और बोलती है कानी की नीचे उतर गया। मेरे को लगा इधर से उतर गया रहेगा, उधर से तो चांस ही नहीं है, बट देन वो यहाँ पर था। अब वहाँ से ना हम कुछ कर सकते हैं ना कुछ भी कर सकते हैं। अब मैं वो ग्रिल इतना छोटा है कि मेरा हाथ भी नहीं जा रहा है। मैं वहाँ से उसको बोल रहा हूँ ऊपर आ जाओ। फिर मैंने एक आइडिया लगाया कि उसका फेवरेट फूड है विस्कस, जेप्टो से मैंने वो ऑर्डर किया और ऐसे ही ट्राई करने के लिए खोला, तो पक से उसने ऊपर कूदा और मैंने उसको पकड़ लिया, ऐसा ग्रिल के बीच में से ऐसा पकड़ लिया, क्योंकि उसको अंदर आने का चांस नहीं मिल रहा है। ये वाले साइड से वो कूदा, मैंने ऐसा पकड़ा, अब उसको ये ग्रिल से अंदर आने भी नहीं हो। अब वो इसमें वो इतना छटपट आ रहा है क्योंकि मैंने उसको पकड़ के रखा, उसको अनकम्फी हो रहा है और ऐसा ऐसा करके बैक करके कूद रहा है। उस चक्कर में उसने मेरे को बहुत नेल मारा, बट मेरे लिए ऐसा था कि अब अगर मैंने उसको छोड़ दिया तो वो पैनिक करके नीचे गिरने वाला है, नीचे चला जाएगा, और हम लोग रहते हैं 3rd फ्लोर पे। फिर कैसा कैसे उसको बैग में डाल के थोड़ा सा टाइम लेके ये किया, फिर मैं आंटी को हॉस्पिटल में लेके गया। अभी अपेरेंटली न्यूज़ आया है कि अंकल को ICU में शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अंकल के पैनक्रियास में स्वेलिंग आ गया है। इट्स बीन अ हार्ड डे गाइस, बट एनीवेज अभी मैं रिया को छोड़ के जिम जाऊंगा, फिर देखता हूँ क्या प्लान्स है। नहीं नहीं, चार्जर गाड़ी में है मेरे, मास्क हाथ में मैंने पहन लिया। चल बाय।
चल बाय। ले लिया अभी, रिया के डैडी आईसीयू में है, बट मेरे को अभी विराज से मिलते हुए फिर मैं हॉस्पिटल जाऊंगा, क्योंकि विराज के साथ मेरे को काम है और वो बहुत ही अर्जेंट काम है, तो वो सॉर्ट करते हुए मैं हॉस्पिटल जाऊंगा। पहले विराज से मिल लेता, तुम लोग भी मिल लो, काफ़ी टाइम मतलब सालों बाद विराज से मिल रहा हूँ मैं, डायरेक्ट उधर मिलते हैं। आया, क्या बोलता है मुंबई की पब्लिक, बंटी बच्ची सच्ची बोल कैसा है भाई। विराज को बहुत टाइम बाद मिला है कि नहीं, ऑलमोस्ट 2 साल बाद। यहाँ पर परितोष भी है कि नहीं, हम लोग दोनों का रियल कॉन्वर्सेशन कभी हुआ ही नहीं, मेरे को खाली वैसे ही हुआ है कि नहीं वो भी नहीं, वो भी बहुत रेयरली हुआ है, मैंने खाली इसको शोकेस में देखा है मेरे को, दिल चीज तुझे दे दी पे, उसमें बैग सबसे पहले परितोष ले रहा है मेरा, बैग पकड़ के नाचेगा। बट बहुत अच्छा लग रहा है मिलके, काम करके आते फिर तुम लोग से मिलते। लोग बोलते स्ट्रीट्स में पैसा नहीं है, ये लोग से मिलो पैसा ही पैसा है। भाई लोग मैं घर पे आ गया, वो लोग को उजाला टिक्की वाला का मैंने गोलगप्पे और आलू टिक्की खिलाया, मतलब वो लोग लंच करके आए थे इसके लिए मैंने वो खिलाया, बट मेरा प्लान था वो लोग को चिलीज लेके जाने का। बहुत अच्छा लगा ऐसा बहुत टाइम बाद मुंबई के लोगों से मिलकर, और मतलब विराज तो अपना भाई है यार, मतलब नहीं बता सकता वो कितना मीन करता है मेरे को, है कि नहीं। और ऊपर से परितोष से भी मतलब मैं उसको मतलब अराउंड 2011-2012 से देख रहा हूँ, आज जाके एक प्रॉपर कॉन्वर्सेशन करके उसके साथ चिल करके मेरे को बहुत ज़्यादा मज़ा आया। बाकी जाने से पहले आज के दिन में एक और स्कैरी इंसिडेंट मैंने सुना, वो मैं तुम लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ, तुम लोग वो देखो ध्यान से देखो, है कि नहीं। फिर अपन मिलते हैं। डर नहीं जी, वहीं पर हमें दो बंदे मिल गए। तो कह रहा मैडम आप बहुत वो लग रही हैं क्या, बहुत परी कैसे बोल दे, पूजा पाठ करती हैं। हम लोग अरे बिहार का है, एक 65 साल का था, एक 20-25 साल का, 20-30 साल का यंग था वो, काला सा मोटा, कह रहा था कि मैंने इसका हेल्प किया है, इसको किराया नहीं है जाने के लिए, आप दे दो। हाँ। मैं सोची अगर मैं एटीएम से भी, तो मैं पैसे 12,000 में निकाली भी कल। अच्छा। मैंने कहा मैं तो हर महीने वाला खर्च, मैंने कहा अभी तो मैं निकाल के लाई हूँ। हाँ। अगर वो चैन खोलती हूँ तो उसको पता चल जाएगा कि पैसा है। हाँ। तो उसके लिए हमने कहा कि नहीं पैसे तो नहीं है मेरे पास। हाँ। तो मैं बाहर वाले पीछे पड़ गया बिल्कुल, अरे मैडम दे दीजिए, और लोग से भी मैं बोलूंगा कहूंगा। मैंने 50 रुपया उसको दिए, फिर अगला है मेरे पीछे करा के, अरे आंटी इतने में क्या होगा, मैं आपको अरे बार बार ऐसे करा रहे आंटी, आप लोग नहीं समझेंगी तो कौन समझेगा, मतलब क्या बताऊँ। तो फिर मेरे पास 10 रुपए चेंज और थे, मैंने उसको भी दे दिया जी। उन्होंने कहा और लोग भी तो है ना, उनसे मांग लो। तो कह रहा अरे सब लोग एक तरह नहीं होते हैं, सबके अंदर दया मैं नहीं होता। फिर मैं चलती जा रही हूँ, चलते इतना होशियार था, सीसीटीवी कैमरा वहाँ लगा हुआ है जी, उसमें न दिखने के लिए एक ई रिक्शा को पहले से फिट किया होगा। हाँ, तभी तो ई रिक्शा मैं ऐसे चल रही हूँ। हाँ, एक मेरे आगे है बंदा, एक पीछे है, ई रिक्शे वाले को इशारा किया और साथ साथ में चल रहा था। हमने कहा कि अच्छा मैं दिख रही हूँ, वो जो नहीं दिख रहे हैं, कभी ऐसे दिख रहे हैं, कभी इतना पैर दिख रहा है, मतलब पूरा बॉडी नहीं दिख रहा है, जा रहा है ऐसे। तो मैंने बल्कि बोला कि अरे आंटी आप खिला दीजिए, इसको प्यास लगी है, भूख लगी। हमने कहा देखो पैसा तो मैं नहीं दूंगी। हाँ। मैंने सोचा पैसे दूंगी तो 500 देने पड़ेगी। हाँ, हाँ, ना बार बार भूख भूख का नाम ले रहा था बेटा, मुझे भी लगा पता नहीं कि मेरे घर में आया, चलो बच्चे बाहर रहते हैं इसको भूख लगी खिलाई दूं, नवरात्रि का नाम लेने लगा, उसी में दशहरा का नाम लेने लगा, मारे लगा। फिर मैं आगे आगे जा रही हूँ, एक पीछे एक आगे, पीछे एक आगे। अच्छा जहाँ जहाँ भी कैमरा था वहाँ उन्हें दिख रहा, मैं दिख रही हूँ बस जाते हुए, या तो बहुत आगे हो जाता था या तो बहुत पीछे हो जाता था। हाँ। फिर जहाँ कैमरा नहीं रहता था, जो गुरुद्वारा के आगे पार्क है ना बड़ा सा पार्क, बृहस्पतिवार का था ना, तो कुछ कुछ दुकानें 1:30 बजे का समय था भाभी ना, तो उसको दुकानें लगा रहे थे, थोड़ा शाम था, कुछ निकाल रहे थे, कुछ जगह अपना फैला रहे थे ऐसे। हाँ। तो फिर आया तो वहाँ एक ना वो भटूरा छान रहा, उन्होंने कहा चल मैं तुम्हें पैसे तो नहीं दूंगी। हाँ। अब मैं तुम दोनों को भरपेट खाना खिला, मैं इतना बोल के आगे आगे चली गई। तब तक पार्क के सामने वही जैसे इधर ग्राउंड पेट्रोल पंप वाला, 2 मिनट मतलब खाली 4 कदम पहले ये टर्निंग पॉइंट है यहाँ, इतना दूरी पर। तब तक इतना तेजी तेजी आया, मैं तो सोच रही हूँ तो खाना खाने जा रहा है भाई। हाँ। मैं तो आया फट से एकदम नुकीली चीज कोई मेरे पीठ में ऐसे लगा के, हिल्ला मत आना, मैंने चाकू लगाया है आपके पास जो है वो फटाफट दे दो। और जो बुड्ढा बुड्ढा था जिस पर मुझे दया लग रही थी, वो सच में कुत्ता लग रहा था कि जमीन में गिर जाएगा वास्तव में। अरे पानी पिला दीजिए मैडम,
मैं तो मर जाऊंगा, ऐसे काम रहा है तो किसको तैयार नहीं आएगी बताइए। लेकिन आज के बाद तो मैं 2 रुपया भी किसी को देने वाली नहीं, देना नहीं, और इनसे बात ही नहीं करना आपने। तभी तो किया ना ये, वो बेला के बात तक की ना, क्या क्या किया तुमने, ये क्या कर रहे हो तुम, तो खाना खाने जा रहे थे तो भी मैंने बोला करने नहीं आंटी मैडम, जो है ना सभी फट से जेब से ना सफेद कलर का रुमाल निकाला से, फट से ऐसे हाथ फैलाया, हल्का सा झुका, फटाफट निकाल के दो एक हाथ का, तो उसने खुद मेरे कड़े निकाल लिए एक हाथ का, फिर मैं मुझे मतलब कहा जल्दी निकालो आंटी जल्दी ले। हमने कहा कि देखो तुम ले जा रहे हो लेकिन सारे नकली है, तुम्हें कुछ फायदा नहीं होगा इसको लेने से, करा नकली ही चाहिए मुझे, नकली ही निकालो। तो आगे वाला जो बंदा था इस तरह से सब घेर लिए थे दोनों कि अगर तीसरा व्यक्ति देखेगा ना, अगर रोड पे जो जा रहा है वो देगा, सोचेगा मैं इसके साथ हूँ, मैं हूँ मेरे साथ, तो इस तरह से फालतू में हंस भी ना हूँ ऐसे से। हाँ। तो जबकि मैं जब दे दी ना तो ये इस हाथ का तो रिंग ले, इसी नवरात्रि में मोटी वाली रिंग पहनी थी, तो अच्छा। इसको भी उतारी, इसको भी, तो थोड़ा सा टाइट है, तो मैंने धीरे से जो पर्स में बाहर ले जाती हूँ ना, उसका मैंने जो इधर उधर वो भी देख रहा था, कर रहा था, मैं धीरे से चैन खोल के इसको उसी में गिरा दी, उसको लगा कि रुमाल में ही गिराए मैंने। उसके बाद क्या किया, फट से गांठ लगाया उसने, कान का भी मैंने दिया। अच्छा। करा ऐसे उतारे, कोई देखा नहीं, देखे नहीं। हाँ। मैं तो फट से चाकू घोटूंगा, और आगे वाले हमने कहा तुम ठीक नहीं कर रहे हो। हाँ। एक बार सोची मैं पीछे से पैर से उसको मारूं धक्का, मैं भागूं, लेकिन तब तक आगे वाला बिल्कुल चिपक गया, बिल्कुल नजदीक आ गया, मैं यहाँ हूँ यहाँ आ गया। तो करा सोच दीजिए तेजाब भी है मेरे पास, मैं सोची कि ये तो ऐसे घटने सुनाई देते हैं बार बार कि कहीं मैं भागूं, तो वास्तव में तेजाब फिर न दे, ये फिर न दे तेजाब। हाँ, तो फिर मुझे बेटा लगा ना कि जो जो मांगता गया मैं देती गई, मैंने दे दिया सारा कान का भी, वो भी स्टोन का था मेरा कान का। हाँ, वहीं से बेटा भेजा था, बेटा से जब वो एकदम कस से गांठी लगा के शर्ट में ऐसे डाल रहा है, अंदर से शर्ट में डाल रहा है। फिर मैंने बोला कि तू तो ले लिया नकली है, फिर भी मैं तुझे अब देखो मैं क्या करती हूँ, मैंने देखा चाकू था ही नहीं उसके पास। मैंने जब गाठी लगा के ना रखने लगा, मैंने इसे देखा तो मैंने कहा चाकू तो है ही नहीं इसके पास, लेकिन फिर भी इस तरह से चुभ रहा था जैसे कोई नुकीला चीज डराने के लिए। हमने कहा कि बताओ अब तो मैं शोर मचा रही हूँ, अब देखो तुम दोनों का क्या हसर होता है। कहते कमीने इंसानों, कौन गरीबों पर विश्वास करेगा। तब तक ना दाहिने हाथ से पहले से ही सेम उसी रुमाल में एक स्टील का छल्ला पड़ा बड़ा सा, होल्ड करके उसी तरह गाठी लगा के पहले से ही उसमें छुपाया था। अच्छा, हमसे कह रहा लीजिए आंटी अभी क्या रखेंगे, मैंने आपका वापस कर दिया, निकाल के ऐसे दिया मुझे। मुझे लगा कि हो सकता है मैं इसको बोल रही हूँ तो डर के मारे वापस कर दिया। मैं तो खोल के देखूंगी ना बेटा एक सेकंड के लिए, फिर मैं कर सोची कि मुझे उठना हल्का लगा, मेरा तो भारी था इतना जरूरी, उसमें एक राउंड पतला सा, फिर मैं खोल के देखी और 2-3 रुमाल के अंदर उसको रखा था। अच्छा, खोले मेरे को टाइम लगेगा, मैं खोल के देखी, तब तक जब मैं मुड़ी ना तो उसमें तो कुछ था नहीं, मेरी तो बक्का बक्का, तब तक तो गायब। मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि ये बहुत ज्यादा स्केरी है, और ये जरूरी नहीं है कि मतलब सिर्फ दिल्ली में ही होता है, हर हर जगह पर, मतलब पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी तुम लोग के साथ हो सकता है। तो मेरे को चाहिए कि तुम लोग बहुत ज्यादा सेफ रहो ये सारी चीजों से लेके। मतलब ये एक्सपीरियंस करने के बाद तो मैं भी मतलब ऐसा 2 बार सोचूंगा किसी का भी हेल्प करने के पहले, क्योंकि मैं ऐसा बहुत ही ज्यादा तुरंत हेल्प करने के लिए मैं ऐसा आगे आ जाता हूँ। इसको जब देखना होता है वो तो देख ही लेगा भाई लोग, बट जितना हो सकता उतना सेफ रहो। लेकिन मेरे पास एक मीडियम है तो उसके थ्रू मैं मतलब लोगों को अवेयर करना चाहता हूँ कि ऐसा भी चीज़ होता है। आई होप कि तुम लोग सेफ रहोगे, और जितना भी होता है आसपास के लोगों के साथ भी ये चीज़ शेयर करो, है ना। वीडियो शेयर करो नहीं करो वो तुम्हारे ऊपर है, बट ऐसा पर्सनली बात करके भी अपने दोस्तों को बताओ। बाकी आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं, तुम लोगों को पता तुम लोगों क्या करने का, तुम लोगों करने का लाइक शेयर सब्सक्राइब कॉमेंट और दुआ। अपन तुमको मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग में। ऑलराइट, टेक केयर, बाय, पीस। हेलो, आ गया मम्मा। आ गया शुशु करके आया मैं, ठीक है आ जाओ।